हे गाइस, वेलकम टू इंशा स्टडी सेंटर। गाइस, ये आपकी होम साइंस की प्रैक्टिकल फाइल है क्लास ट्वेल्थ के लिए। 2023 वाले स्टूडेंट्स को जिन लिखनी है जो प्रैक्टिकल फाइल, ये वो है। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहले आपकी ये डिटेल्स जो आपके अपनी प्रैक्टिकल फाइल के फ्रंट पेज में आपको लिखनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका नेम, फादर्स नेम, क्लास, एनरोलमेंट नंबर जो आपका रोल नंबर होगा NIOS का, देन सब्जेक्ट कोड, स्टडी सेंटर कोड, फ़ोन नंबर और एड्रेस। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम आपके फाइल में कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखने हैं आपको। ठीक है, तो आपको मिनिमम 8-10 प्रैक्टिकल लिखने होते हैं आपके अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। इतने लिख लेंगे तो ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इट्स ऑन यू। ठीक है, लेकिन आप जितने भी लिखें उनको अच्छे से लिखना, और जो भी आप लिख रहे हैं उसको समझ कर लिखना, ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करते चलें, और वाइवा में अगर एग्जामिनर आपसे कुछ पूछता है तो आप उसका आंसर कर सकें। ठीक है, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि आप जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे उससे रिलेटेड ही आपको वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रैक्टिकल फाइल में आपके टोटल 7 प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। प्रैक्टिकल नेम और ये लास्ट 7 तक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल नंबर 1 से। देखिए एम क्या है आपका, टू कलेक्ट डिफरेंट फूड आइटम्स दैट आर अवेलेबल एट होम एंड कैटेगराइज देम अंडर वेरियस फूड ग्रुप्स। आपको डिफरेंट फूड आइटम्स कलेक्ट करने हैं जो आपके अपने घर पर हैं, और उनको कैटेगराइज करना है अलग अलग फूड ग्रुप्स में। ठीक है, इंट्रोडक्शन, होम साइंस है तो आपके डेली लाइफ में यूज़ होता है, आप ये लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल्स के लिए पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्लीज़ जो भी लिखें उसको अच्छे से समझें, उस पॉइंट को कि आप क्या लिख रहे हैं, उस पॉइंट को अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है आपको, कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो वो आपका मटेरियल रिक्वायर्ड में आ जाता है। देन आपका प्रोसीजर, आपको ये सॉल्व प्रोवाइड की जा रही है तो आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकल फाइल में। बस आपको जो भी इसमें जो पिक्चर्स वगैरह होंगी वो आपको कलेक्ट करके पेस्ट करनी है। ठीक है, कंक्लूजन, प्रैक्टिकल टू एम क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एंड एम्ब्रॉयडरी एज वेल एज एग्जीक्यूटिंग 10 बेसिक स्टिचेस ऑफ एम्ब्रॉयडरी। जो भी आपकी सिलाई वगैरह होती है, सिलाई कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी इज स्टैंड फॉर कढ़ाई। ठीक है, तो आपको उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, प्रोसीजर उसका कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे लास्ट करते हैं। ठीक है, और आपको बेसिक स्टिचेस भी बताने हैं। हियर इज योर इंट्रोडक्शन,
प्रोसीजर। आपको ये पॉइंट्स लिखते जाना है और समझते जाना है, ठीक है। और आप इसको ज़रूरी नहीं, आपको एज इट इज़ जब आपका, मान लीजिए आपके प्रैक्टिकल फाइल में से ही जो प्रैक्टिकल आपने लिखे हैं आपके रिटर्न में आ जाते हैं, तो आप अगर यहाँ से समझ के लिखेंगे तो वहाँ पर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको वहाँ पे लगाने हैं, अपनी प्लेन साइड पे लगाने हैं, ब्लैंक शीट, ब्लैंक साइड जो भी है आपके पेज की, वहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टिचेस। ठीक है, अगर आप बना सकते हो तो बना भी सकते हैं अपने पेज पर, डेट्स ऑन यू कि आप बनाना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं। ये सारे आपके टाइप्स हैं स्टिचेस के। इन द लास्ट इज योर कंक्लूजन। प्रैक्टिकल थर्ड, एम टू प्रैक्टिस चेंजिंग द फॉलोइंग टू बी डन अंडर अडल्ट सुपरविजन ओनली। आपको प्रैक्टिस चेंजिंग द फॉलोइंग, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, सेकंड क्या है आपका थ्री पिन प्लग ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, इनको चेंज करने का प्रैक्टिस करनी है आपको यहाँ पे, तो आपको पहले यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हेयर इज योर इंट्रोडक्शन। गाइज, वीडियो में अगर वीडियो क्वालिटी या फिर कोई कैसी प्रॉब्लम होती है तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, और भी सब्जेक्ट्स की, जिस भी सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना। जिस भी प्रैक्टिकल फाइल के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगी मैं उस पर सबसे पहले पोस्ट कर दूँगी वीडियो, इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, प्रोसीजर, कि आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे चेंज करना है। ठीक है, थ्री पिन प्लग कैसे चेंज करना है। ठीक है, मान लीजिए आपके प्रेस वगैरह किसी चीज़ का, प्लग टूट जाता है तो आपको कैसे उसको चेंज करना है। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या रखनी है आपको, क्योंकि आप उसको चेंज कर रहे हैं तो, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्यूज को चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है, इसलिए डेंजर होता है, तो आपको प्रिकॉशंस रखना सबसे पहले ज़रूरी है।
प्रैक्टिकल 4। एम क्या है आपका? टू ऑब्जर्व अ चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 2 ईयर एंड रिकॉर्ड हाउ ही और शी एक्सप्रेसेस एंगर एंड फेयर। एक से दो साल के बच्चे का आपको जो भी वो एक्सप्रेस करते हैं आपको नोट करना है कि वो कैसे गुस्सा शो करते हैं अपना कि गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे बोल तो सकते नहीं हैं, तो अपना गुस्सा कैसे शो करते हैं या डर कैसे शो करते हैं। आपको यहाँ पे उसकी लिस्ट बनानी है नीचे, ठीक है। और सेकंड क्या करना है, टू विजिट अ नियर बाय नर्सरी स्कूल एंड ऑब्जर्व एनी 3 चिल्ड्रन फॉर देयर सोशल बिहेवियर। किसी नर्सरी स्कूल में जाके 3 बच्चों का सोशल बिहेवियर नोट करना है आपको। तो इंट्रोडक्शन, ये आपका जो फर्स्ट था कि आपको 1 से 2 साल के बच्चे के जो वो एक्सप्रेस करते हैं गुस्सा या डर, उसको नोट के मतलब वो कैसे शो करते हैं उसको नोट करना है, उस वाले के लिए है ये। ये जो था आपका गुस्से के लिए था, और ये फॉर फेयर, ठीक है। प्रोसीजर कि आपको क्या क्या स्टेप करने हैं, और ये इन्फॉर्मेशन्स आपको रिकॉर्ड करनी है सबसे पहले कि जिस भी बच्चे के या स्टूडेंट के आपने जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं आपने नोट किया है वो कौन बच्चा था, ठीक है। तो नेम, एज, उसका जेंडर, प्लेस कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया, टाइम पीरियड, ठीक है। प्रैक्टिकल 5, एम टू टेक वंस ऑन फैमिली एज एन एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे 2 पॉइंट हैं तो आपको उसको करना है। फर्स्ट क्या है, लिस्ट द हाउस होल्ड एंड रिलेटेड टास्क परफॉर्म्ड बाय ईच मेंबर। अपनी फैमिली में अपनी फैमिली का एग्जाम्पल लेना है और हर मेंबर के बारे में लिखना है आपको। और सेकंड पॉइंट में क्या है, आपको एनालाइज करना है वो क्या काम करते हैं, उनकी एज क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर,
बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आपकी फैमिली के बारे में, क्योंकि आप अपनी फैमिली का एग्जांपल ले रहे हो. जस्ट अ सेकेंड. आप अपनी फैमिली का एग्जांपल ले रहे हो तो अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन लिखनी है. यहाँ पे यहाँ पर आपको ये एक चार्ट बनाना है. ठीक है, घर में क्या काम होते हैं, घर के बाहर क्या काम, मतलब घर में क्या काम करते हैं, घर के बाहर क्या काम करते हैं. ठीक है, तो ये भी आपको चार्ट बनाना है. कंक्लूजन, कंक्लूजन में बेसिकली आपके क्वेश्चंस आते हैं जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंक्लूजन में, कि आपको क्या समझ आया. ठीक है, पूछे जाते हैं या फिर लिखे जाते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल 6. एम टू ऑब्जर्व चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 2 या 3. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना. ईयर फोर दिया है लैंग्वेज अचीवमेंट, यहाँ पे 1 या 2 होगा, 1 या 2 से 3 होगा. यहाँ पे 11 हो गया है, तो आप इसको 11 को हटा देना, सिर्फ 1 करना है आपको. यहाँ पे ईयर फोर दिया है लैंग्वेज अचीवमेंट. ठीक है, एक या दो से तीन साल तक के बच्चे की लैंग्वेज अचीवमेंट बतानी है कि बच्चा क्या क्या बोलता है, कैसे बोलना स्टार्ट करता है. ठीक है, कि वो क्या क्या अपने कैसे एक्सप्रेस करता है, क्या बोलकर एक्सप्रेस करता है, कुछ मांगता है तो कैसे मांगता है, वो सब. ठीक है, इंट्रोडक्शन, देन यहाँ पे प्रोसीजर. ठीक है, तो ये चार्ट आपको बनाना है. ठीक है, ये टेबल आपको बनानी है. ये पूरी सॉल्व है आपकी, जो प्रैक्टिकल जो भी आपकी लैब मैनुअल होती है उसमें ये सॉल्व नहीं होती है, आपको खुद करनी होती है, खुद परफॉर्म करके टास्क खुद इसको फिलअप करनी होती है. ये यहाँ पे सॉल्व है, तो आपको एज इट इज़ अपने उसमें फाइल में लिख लेनी है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं. ठीक है, जो भी टेबल्स आप बनाएंगे वो थोड़ी साफ करके बनाना, सुंदर करके. ये रफली बनाई है तो ये ऐसी ही है. कंक्लूजन, प्रैक्टिकल 7. एम टू आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कॉटन, वूल, सिल्क एंड पॉलिएस्टर बाय डूइंग विजुअल टेस्ट या बर्निंग टेस्ट. देखिए, आपको वेरियस फाइबर्स का पता लगाना है, जैसे कि हो गया आपके कॉटन, हो गया वूल, हो गई सिल्क और पॉलिएस्टर. उसको कैसे, या तो देखकर या फिर उसको जलाकर आपको बताना है कि ये क्या है, कॉटन है, वूल है, सिल्क है या पॉलिएस्टर है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा. देखिए,
कि आप कैसे बताएंगे, जैसे बॉडी लस्टर, किसी की चमक देखकर बताएंगे कि कौन सा कपड़ा शाइन करता है, कौन सा डल रहता है। जैसे कॉटन थोड़ी सी डल होती है, शाइन नहीं करती है। इन द अदर हैंड पॉलिएस्टर शाइन करती है, ठीक है। बॉडी टेक्सचर क्या होता है उसका, सॉफ्ट होती है, हार्ड, रफ, स्मूथ, वार्म, स्लिपरी, ठीक है। ये जो आपने ऊपर लिखे हैं वो सारे विजुअल टेस्ट थे। उसके बाद आता है बर्निंग टेस्ट, कि हम कोई भी फाइबर को जलाते हैं तो हम कैसे बताएंगे, उसके जलने से कैसे पता लगेगा कि ये कॉटन है या पॉलिएस्टर है, सिल्क है, वुड है, वूल है, ठीक है। देखिए उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं आपके। सबसे पहले तो आपको डिफरेंट फाइबर्स चाहिए होंगी, मैच स्टिक चाहिए होगी, और थोड़ी आपकी प्रिकॉशन के लिए कुछ सामान चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोसीजर, विजुअल टेस्ट से स्टार्ट होगा। वो सारा इंट्रोडक्शन में था कि आपको पहले से एक आइडिया दे देते हैं इंट्रोडक्शन में कि कैसे हम पता लगाएंगे, और फिर जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको थोड़ा फॉर्मल वे में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आता है विजुअल टेस्ट देखकर, तो उसके लिए टेबल है यहाँ पर, सबसे पहले फैब्रिक सैंपल लिया, फिर लेंथ ऑफ फाइबर, ठीक है। आपने लेंथ कैसी ली है, शॉर्ट ली है, लॉन्ग ली है, उसके बाद उसका लस्टर, लस्टर बोले तो कि वो शाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, टेक्सचर और फैब्रिक वेट, ठीक है। तो आपको ये टेबल बनानी है, उसके बाद आता आपका बर्निंग टेस्ट जलाकर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, 4, 5, 6, देन यहाँ पे आपकी टेबल है, देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इन फ्लेम, ठीक है, फिर बीच में लिखा है बर्न्स फास्टर, तो ये आपको एक साथ लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पेज की जो मार्जिंग है उसकी वजह से है ये। तो आपको ये यहाँ पे देखिए कीप्स ऑन बर्निंग, तो आपको थोड़ा सेंस लगाकर इस टेबल को बनाना है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन, तो आप ये थोड़ा ध्यान से बनाइएगा ये वाली टेबल, अदरवाइज़ आपके पास अगर लैब मैनुअल होगी तो उसमें से भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपके 7 एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गए,
होम साइंस की प्रैक्टिकल फाइल के। गाइज अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और मैं क्योंकि सारी वीडियोस आपके TMA के टाइम पे TMA सॉल्व और प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रैक्टिकल और TMA के रिगार्डिंग थ्योरी की रिगार्डिंग सारी अपडेट्स डालती हूँ और शॉर्ट नोट्स भी एग्ज़ाम टाइम पे पोस्ट कर देती हूँ, तो उसके लिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपके नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।